लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा से सटकर बड़े पैमाने पर अपनी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलें DF-26 को तैनात कर दी हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत के कोरला सैन्य ठिकाने पर DF-26 मिसाइलें तैनात की हैं। तस्वीरों में ये मिसाइलें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है और इसके जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेस्फा की ओर से जारी ये तस्वीरें इस साल जून महीने में ली गई हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुरला बेस पर पहली मिसाइल अप्रैल 2019 में और दूसरी मिसाइल अगस्त 2019 में तैनात की गई थी। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक DF-26 मिसाइलों से लैस चीनी सेना की 646वीं ब्रिगेड को पहली बार अप्रैल 2018 में तैनात करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद जनवरी 2019 में चीनी मीडिया ने घोषणा की थी कि DF-26 मिसाइलों के साथ चीन के पश्चिम उत्तर पठारी इलाके में युद्धाभ्यास किया गया है। यह वही इलाका है जो भारत से सटा हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के मुकाबले चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या काफी अधिक है। चीन जल्द ही फ्रांस को छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश बन जाएगा। चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या पिछले 15 वर्ष में दोगुनी हो गई है। चीन अगले एक दशक में इन परमाणु हथियारों की संख्या को और आगे बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के बढ़ते हथियारों से उसके पड़ोसी देशों में बेचैनी बढ़ गई है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पिछले साल अपने परमाणु जखीरे में काफी इजाफा किया है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 150 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। चीन ने पिछले एक साल में 30 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। चीन की DF-26 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है और इसके जद में भारत की राजधानी दिल्ली समेत ज्यादातर शहर आते हैं। चीन ने इसे लद्दाख से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। यह मिसाइल अपनी दोहरी मारक क्षमता के कारण दुनिया भर में कुख्यात है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसी क्षमता के कारण दुश्मन को यह समझने में काफी मुश्किल होती है कि यह मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या परंपरागत हथियार से। DF-26 की इसी मारक क्षमता को देखते हुए इसे चीन की गुआम क्लियर मिसाइल कहा जाता है। गुआम जापान के पास अमेरिका का नेवल बेस है। चीन ने वर्ष 2015 में अपनी सैन्य परेड में पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। इस मिसाइल का जिम्मा अब चीन की सेना के रॉकेट फोर्स के पास है। भारत के पास इसके टक्कर की Agni-4 और Agni-5 मिसाइलें हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें कुल 80 से 160 मिसाइलें हैं। किलर मिसाइलों के साथ साथ चीन की एयरफोर्स ने कासगर एयरपोर्ट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी के बमबर्षक विमान H-6 को भी तैनात किया है। लद्दाख से यहां की दूरी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इसे भारत के साथ तनाव को देखते हुए तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि इस बेस पर 6 Sian H-6 बॉम्बर तैनात हैं, जिनमें 2 पेलोड भी हैं। इसके अलावा 12 Sian JH-7 बॉम्बर भी तैनात हैं। 4 Shenyang J-11 फाइटर जेट भी इस हवाई बेस पर तैनात हैं। इनकी रेंज 3530 किलोमीटर है। इसके साथ ही चीन ने KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी इस बेस पर तैनात किया है। H-6 बॉम्बर से दागे जाने वाले इन मिसाइलों की रेंज करीब 200 किलोमीटर है। चीन के इस नए कदम से भारत के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।